नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं स्टडी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत सारे लाखों बच्चे जो हैं वो सीयूटी यूजी का एग्जाम देने जा रहे हैं, और बड़ा ही संघर्ष भरा कल का दिन भी होगा, क्योंकि बहुत तेज धूप है। इतनी तेज धूप में छात्रों के साथ जो उनके अभिभावक हैं वो भी परेशान होने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोग एग्जाम देने से पहले जरूर देखिए, क्योंकि कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। चूंकि मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूँ, कई बार बच्चों के जो एग्जाम प्लेसेस हैं, जहाँ पे सेंटर्स हैं, वहां पे मैं विजिट किया हूँ। तो कुछ अनुभव हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक शेयर करूँ, और आप लोग क्या करो उसको फॉलो करो। और इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कल के एग्जामिनेशन हॉल में क्या प्लानिंग होनी चाहिए। बेसिकली ये वीडियो तो स्मार्ट बोर्ड पर डिस्कस करना चाहिए था, क्योंकि आज स्टूडियो में कुछ काम चल रहा है न्यू बैच का अनाउंसमेंट के लिए, तो मैं कहा बैठ के बातें कर लेते हैं। प्लीज आप लोग बैठ के बातें कर रहा हूं, तो इसका मतलब आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा पढ़ी नहीं हो रहा है। और गार्जियंस को भी ये वीडियो देखना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो प्लीज अपने पापा या मम्मी के मोबाइल पे इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है। बेसिकली हम लोग सबसे पहले एजुकेशनल पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो एग्जाम है उसमें क्या क्या आना है, लैंग्वेज आना है, जीटी आना है, और आपका डोमेन आना है। और बेसिकली जो एग्जाम पैटर्न है वो आपको पता ही होगा। जनरल टेस्ट के जो क्वेश्चंस होंगे वो कितने होंगे, 60 होंगे, 60, लेकिन अटेम्प्ट कितना करना है, 50 ही करना है। डोमेन और लैंग्वेज भी 50 होंगे, लेकिन अटेम्प्ट कितना करना है, 40। नेगेटिव मार्किंग बेसिकली आप लोग वहां पे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। वो है, आप अगर सही करते हो तो 4 नंबर मिलेगा, और अगर आप गलत कर देते हो तो आपको कितना नंबर माइनस हो जाएगा, 1 नंबर, यानी 1/4 एक क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये बेसिकली बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। कोई भी बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी प्रॉब्लम फेस करता है, अचानक से उसको लगता है कि उसके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पेपर प्रिंट नहीं है, चूंकि पेपर इस बार ऑफलाइन भी होने जा रहा है, या उसके स्क्रीन पे क्वेश्चन शो नहीं कर रहा, या सिस्टम बंद हो जा रहा है, प्लीज एज सून एज पॉसिबल अपने इंजुलेटर को आप इन्फॉर्म करोगे। कोई भी संकोच नहीं, चूंकि जस्ट आप 12वीं के बाद आ रहे हो तो आप थोड़ा मोटा संकोच कर सकते हो, भाई संकोच नहीं करना है आपको। उसी समय अपने इंजुलेटर को इन्फॉर्म करना है कि सर मेरे सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, या मेरे क्वेश्चन पेपर में ये प्रॉब्लम है। ओएमआर को बहुत ही कॉन्शियस माइंड से फिलअप करना है। ओएमआर को कलर करने के दो मेथड है, एक तो आप एग्जाम के पेपर जब मिला तो उसी समय एक एक क्वेश्चन को पढ़ो, और उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसका ओएमआर कलर करके चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, मुझे आ गया, तो मैं उसको कलर भी कर दिया, एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड ये है कि आप एंड ऑफ द एग्जाम में पूरे क्वेश्चन पेपर में आप टिक करके रखे थे और सीधे ओएमआर ओपन की और आप कलर कर रहे हो। लेकिन इसमें क्या होता है ना, बच्चा पैनिक हो जाता है। कभी कभी आप क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना समय ले लेते हो कि ओएमआर लगने में आपको लगता है कि यार 30 मिनट से एटलीस्ट आपको 25 मिनट चाहिए होता है, और अब वो समय आपके पास है नहीं, तो आप कहीं ना कहीं पैनिक हो जाते हो। आप सोचने लगते हो कि अरे यार समय नहीं है, हड़बड़ी में गलत आप बबल्स कर दिए, ये सब चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है कि ओएमआर को आप अपने क्वेश्चन के साथ ही रखते चलो, उसमें आपके सीरियल नंबर नहीं गड़बड़ होते हैं, उसमें आपके लास्ट में पैनिक होने के सिचुएशंस आते ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ही लिया है। तो ये चीजें आपके माइंड में जरूर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस को पहले थॉरली पूरा लास्ट तक पढ़ते जाना है, यानी आप लगभग 3 राउंड का लगाने वाले हो। पहला क्वेश्चन पढ़ा, आया तो कलर कर दिया, नहीं आया तो उसको छोड़ दिया, सेकंड पे गए, आया तो कलर किया, नहीं आया तो छोड़ दिया। इस तरीके से 1 नंबर से लेकर लास्ट तक जाना है आपको, ठीक है, और फिर उसके बाद बचे हुए क्वेश्चंस को फिर से स्टार्ट करना है, और तीसरे राउंड में फिर स्टार्ट करना है। कब आपको नेगेटिव मार्किंग अटेम्प्ट करना है, यानी कब आपको तुक्का मारना है, जब आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज करते हो, यानी कि आप 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शंस को क्या करते हो, कट मार देते हो, ठीक है, मेरी बात समझे कि नहीं। यानी कि आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है, और उस क्वेश्चन का आपको 4 ऑप्शन में से 2 पता है कि कंफर्म नहीं होगा, किसी कीमत पे ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, तो आप क्या करोगे, आप यहां पे एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, क्योंकि यहां प्रोबेबिलिटी अब 1/2 की लगेगी, इसके पहले 1/4 की प्रोबेबिलिटी थी, यानी कि चौथाई ही उसमें संभावित सही होने के चांसेस थे, लेकिन अब यहां पे आधा सही आधा गलत होने के चांसेस है। तो आप ऐसे में कहीं ना कहीं तुक्का मारने के कुछ क्वेश्चंस पे पॉसिबिलिटीज रख सकते हो, कुछ क्वेश्चंस पे ध्यान देना। तुक्का मारने का भी पहले से प्लानिंग करके माइंडसेट रखना कि मुझे इससे ज्यादा नहीं मारना है, समझे कि नहीं। देखो बहुत अच्छा पेपर जा रहा है तो तुक्का मत मारना,
मिड में जा रहे हैं तो लिमिट बना लो कि चलो भाई 5-6 मार देंगे, और बहुत बुरा पेपर जा रहा है तो चलो 15 मार देंगे। तो अपनी प्लानिंग अपने हिसाब से देख लेना, और उसमें भी कैलकुलेट करने लगा कि अगर हम 6 मार रहे हैं तुक्का, ठीक है, तो 6 में अगर 4 सही कर देते हो, मान लो 6 में 2 सही कर दे तो कितना नंबर मिला, 8 नंबर मिल गया। गलत कितना हुआ, 4, यानी कि एक 4 नंबर पूरा गलत होने वाला है। तो 8 मिला है, 4 गलत, तो 4 अभी भी पॉजिटिव में हो। तो इस तरीके से कैलकुलेट करके तुक्का मारना, कम क्वेश्चन पे मारना, ठीक है। मैं तुक्का मारने का ट्रिक बता रहा हूँ कि क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, 12वीं के बाद एक्सपीरियंस नहीं होता है, बहुत ज्यादा तुक्का मार के चले जाओ, माइनस में चले जाओगे, ऐसा होता है, तो ये नहीं करना है। तो ये चीजें कुछ एजुकेशनल टिप्स हो गए जो आपको ध्यान देना है। बीएचयू में अगर आना है तो ध्यान देना कि जीटी का इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाएगा, चाहे लीगल हो चाहे बीए हो, क्योंकि लैंग्वेज को ये लोग हाफ ही लेते हैं। जैसे आपका जो लैंग्वेज में सपोज कि आपका आ रहा है कितना, 160 नंबर, सपोज 160 नंबर आ रहा है, तो उसका आधा ही ये लोग कंसिडर करेंगे, कितना 80 मार्क्स, जब फाइनल मेरिट बनेगा तो 80। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लैंग्वेज इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर डोमेन एंड जीटी। तो कहने का मतलब यह है कि जीटी के क्वेश्चंस अच्छे से कवर करना, क्योंकि जीटी का एक क्वेश्चन का वैल्यू अगर 4 है तो बीएचयू 4 लेगा, लेकिन बीएचयू में लैंग्वेज अगर एक क्वेश्चन का 4 है तो वहां पे 2 ही नंबर कंसिडर करेगा वो, मतलब 2 ही नंबर की वैल्यू है। तो जीटी ज्यादा आपके मेरिट को अप कर सकता है या डाउन कर सकता है, तो जीटी को बढ़िया फोकस करना है, ठीक है। जनरल टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, किसी भी में भी आता है तो आप जनरल टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। तो यहां तक बात तो गार्जियन और स्टूडेंट दोनों के लिए होगी। अब गार्जियन के लिए जो कुछ पॉइंट समझाना चाहूंगा, आप समय से निकल जाना, ठीक है, आप सेंटर्स पे समय से निकल जाओ, यानी आपका अगर सुबह 8 बजे है तो आप 6 बजे 4 बजे तक निकल जाओ, सुबह 5 बजे तक निकल जाओ, अपने डिस्टेंस के हिसाब से सेंटर पे टाइम से पहुंचना है, ठीक है। एडमिट कार्ड का एक प्रिंट कॉपी भी लेके जाना है, एक दो फोटोज ले जाने, एक आईडी कार्ड ओरिजिनल ले जाना है, ये चीजें गलत नहीं करना है। और आपका अगर ऑफलाइन एग्जाम है तो आप एक लिक्विड फ्लो पेन होता है, ठीक है, वो ब्लैक कलर का होता है, आप शायद लिंक का या रोनाल्डो का आता है, रेनॉल्ड्स का, आप वो जरूर ले लीजिएगा मार्केट में। मैं कम्युनिटी में उस पेन का फोटो डाल दूंगा, प्लीज आप लोग वो पेन लीजिएगा, उसको थोड़ा सा चला लेना, वो नया खरीदोगे तो ही बहुत अच्छा चलता है वो, ठीक है। और बबल्स को ऐसे ऐसे से कलर करना, ऐसे ऐसे करना नहीं, ऐसे हमेशा सर्कुलर मोशन में करना है, जो भी आपकी हैबिट है। जैसे मैं लेफ्टी हूं तो मेरा लेफ्ट हैंड ज्यादा वर्क करता है, आप राइटी होगे तब ऐसे ऐसे करते होगे। तो कहने का मतलब ये बबल्स को हमेशा सर्कुलर मोशन में करना, ना कि ऐसे ऐसे करना, ठीक है। और बबल्स को क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही साथ में ही एज पैरेलल कलर करते चले जाना, लास्ट के पेंडिंग मतलब सिचुएशन, क्योंकि वो पैनिक सिचुएशन हो जाता है लास्ट में, ठीक है। गार्जियन को क्या ध्यान देना है कि बच्चे को समय से पहुंचाना है, और प्रॉपर चीजों के साथ जो बेसिक रिक्वायरमेंट मैंने बता दी आपको, फोटो आईडी और एडमिट कार्ड, ये सब ले जाना है, और ब्लैक एंड व्हाइट या कलरफुल कोई भी आपका एडमिट कार्ड वहां पर चलेगा, ठीक है। उसके बाद गर्मी का मौसम है तो लाइक आप एक ये इस तरीके का पानी का बॉटल आप यूज कर सकते हो, ध्यान देना, ठीक है, और पानी पीते रहना है। कई बार क्या होता है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंजाइटी फील हो सकता है, ठीक है। एंजाइटी का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा प्रेशर माइंड पे बन सकता है, आपको थोड़ा ऐसा महसूस हो सकता है कि अरे यार चक्कर सा आ रहा है। ऐसे सिचुएशन का सबसे बढ़िया उपाय है कि आपको थोड़ा सा पानी पीना है, थोड़ा सा पानी पीना है। पानी अगर आप पीते रहोगे एग्जामिनेशन हॉल में, अगर थोड़ा भी क्वेश्चंस का लोड हो गया, पेपर हार्ड आ गया, उसका लोड हो गया, इन सभी से बाहर आने का सबसे अच्छा तरीका है पानी जरूर पी जाओ। सच बता रहा हूँ, पानी पीने के बाद आपको बड़ा रिलैक्स फील होगा, लंबी सांसें लेनी है। ऐसे सिचुएशन में दो चीजें करनी है, आपको पानी पीना है और आपको लंबी सांसें लेनी है। और आप अगर अपने एग्जामिनेशन हॉल में अगर बॉटल ले जाना चाहते हो तो इस तरीके का बॉटल नहीं जाएगा, ये मेटेलिक बॉटल है, ये बॉटल नहीं जाएगा। आप ट्रांसपेरेंट एक नॉर्मल ठंडा पानी का वो खरीद लेना, आप ले लेना मार्केट से, वो बिस्लेरी वगैरह वाला, ठीक है, किनले वगैरह का, और उसका जो रैपर है आप उसको निकाल देना, तो वो बॉटल आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर तक ले जा सकते हो। आप बीच में थोड़ा सा पानी पी लेना भाई, एक घूट दो घूट तीन घूट चार घूट जैसा आपका प्यास है, आप उसको थोड़ा सा पी लो, और उसके बाद आप अपना ओएमआर निकालो। ओएमआर में गलती नहीं करना है, ध्यान देना, ओएमआर में गलती किया तो पूरा मेहनत धरी की धरी रह जाएगी, कहीं की नहीं रहोगे। और गलती कर देते हो तो पैनिक मत होना, उसके लिए अपने इंजुलेटर को इन्फॉर्म करो। इंजुलेटर क्या करता है, अलग से आपका एक फॉर्म फिलअप कराता है कि आपकी कॉपी स्पेशल तरीके से चेक की जाए। तो प्लीज
ये तमाम चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं जिससे आप गलत, कई बार क्या होता है ना, बच्चा सिस्टम बैठा हुआ है और ऐसे नीचे पैर मार देता है, पता चला कि सीपीयू यूपीएस का वायर हिल गया और सिस्टम ही बंद हो गया। तो ये सब चीजें मत करना, मतलब आप इन सब चीजों को अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपका 1-2 मिनट लॉस नहीं होगा, क्योंकि इन सब का सलूशन है। एग्जामिनेशन हॉल में अगर ये सब चीजें हो जाती हैं, सिस्टम बंद हो गया, आपको उठाएंगे दूसरे जगह ले जाएंगे, आपका टाइम लॉस होगा ना। तो मैं चाहता हूँ आपका टाइम, आपका स्मूथली पूरा एग्जाम हो जाए स्मूथ। और एक चीज, अगर मैं तो बड़ा पॉजिटिव माइंड से आपका वीडियो बना रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन कबीर क्या करता है, एनटीए एग्जाम करा रहा है, तो एनटीए कई बार गलतियां कर देता है। कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर पे आपकी प्रॉब्लम होती है, आप एक शॉर्ट वीडियो बना के मुझे भेजो, मैं वो वीडियो चैनल पे डालूंगा और उस पे हम लोग आवाज उठाएंगे कि एनटीए ने चीजें गलत करी हैं। कई बार ऐसा हुआ है, क्वेश्चन पेपर अच्छा नहीं प्रिंट किए, स्क्रीन पे क्वेश्चन ही गायब हो गए, तो इस तरीके के नेटवर्किंग प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार क्वेश्चन ही नहीं पहुंचे, ऐसा भी हुआ है। तो प्लीज ऐसे सिचुएशंस में, ऐसी कंडीशन में क्या करना है, ऐसे कंडीशन में आप सेंटर से बाहर आने के बाद अपने मोबाइल को निकालो और अपनी बात को एकदम आराम से रखो, और वो वीडियो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप भेजो, मैं अपलोड करूंगा और मैं उसके लिए क्वेश्चन करूंगा इन लोग से कि आपने ऐसा क्यों किया। तो ये तमाम चीजें जो है आपको एग्जाम से पहले ध्यान देनी है। और आप चाहो तो कॉफी या कोई चॉकलेट, 5 रुपए वाली कैंडबेरी क्या, ये 5 स्टार, इससे माइंड एक्टिव हो जाता है। मेरा एक्सपीरियंस ये भी है कि मैं बड़ा अच्छा एग्जाम दे के आता हूं अगर मैं चॉकलेट खा के जाता हूं। तो आप अगर चॉकलेट लवर हो, थोड़ा चॉकलेट पसंद है, तो आप चॉकलेट, बहुत लोगों को मीठा नहीं भी पसंद होगा, तो मैं उसे मीठा से नहीं कंपेयर करता, मैं उसको थोड़ा एक एडिक्शन से कि हाँ उसको खाने के बाद मेरा माइंड ज्यादा काम करता है। तो चॉकलेट आप खा के मेरी तरफ से आप खा लेना, और जब मेरे से मिलना तो मैं वो चॉकलेट का पैसा आपको जरूर दे दूंगा, ठीक है। तो वो एक तरह से मेरे मेरे साइड से वो बेस्ट ऑफ लक है आप सभी के लिए, ठीक है। तो मैं आपको गुड विशेस दे रहा हूँ एग्जाम से पहले कि आप चॉकलेट खा के जाके एग्जाम दो, और वो नीट सर की तरफ से चॉकलेट आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं पूरे गार्जियन के लिए, जो कल का दिन बहुत संघर्ष भरा होने वाला है, धूप में खड़ा होने वाला सिचुएशन है। आप चाहो तो अम्ब्रेला लेके जाना, सेंटर पे कोई सुविधा आप लोगों के लिए नहीं रहता है, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है। तो आप लोग अपने बच्चों का पूरा ख्याल करें और आप अपना भी ख्याल करें, वहां सेंटर पे अपना कवर कर रहे हैं, अपने आप को कवर करने की कोशिश करें, अम्ब्रेला ले जा सकते हैं या कहीं पेड़ के नीचे अपनी गाड़ी लगा के आप आराम से आराम करिएगा, बच्चों को एग्जाम के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम चीजें मैंने डिस्कस कर ली है, जैसे आप, क्योंकि मैं कल ग्राउंड रिपोर्टिंग करूंगा सेंटर्स पे आके, इस वीडियो में आप लोग कॉमेंट भी मुझे कर देना कि आपके एग्जाम्स बनारस में कहाँ कहाँ पे है, कहाँ पे ऑनलाइन है, कहाँ पे ऑफलाइन है, कहाँ कहाँ पे है, तो बेसिकली मुझे आइडिया लग जाएगा कि मुझे किस सेंटर पर जाकर रिपोर्टिंग करनी है। और दूसरी चीज, जैसे आप एग्जाम देके आते हो ना, क्वेश्चन पेपर हम लोग स्मार्ट पर डिस्कस करके आपको अपडेट करेंगे कि हाँ क्वेश्चन इस तरीके का आया हुआ है, आप लोग से ही क्वेश्चन में पूछ लेता हूं ना कंट्रोल सेंटर पे एग्जाम के बाद। और दूसरी चीज कि मैं कट ऑफ भी आपका डिस्कस करूंगा कि फाइनली एग्जाम के बाद क्या एडमिशन की पॉसिबिलिटीज है, पेपर हार्ड है, इजी है, कट ऑफ डाउन होगा, अप होगा, इन तमाम चीजों पे। तो ऑल द बेस्ट, महादेव आप सभी को आपके मेहनत के अनुसार फल दे, और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि कल का दिन आपका शानदार हो, और ठीक है, तो आराम से एक अच्छी सी मुस्कान के साथ, मुस्कुराहट के साथ आप जाएं और टीका चंदन तिलक लगा के जाइएगा, आपका एकदम ललाट चमकता रहे और चेहरे पर अच्छी मुस्कान रहे, अपने घर में जो बड़े लोग हैं उनसे आशीर्वाद लेके जाइएगा, ठीक है। पॉजिटिव एकदम एक इन्वायरमेंट बना के जाओ, बड़ा अच्छा करके आओगे। देखो जो होगा वो सबके साथ होने वाला है, जो भी आपके साथ लाखों लोग बैठेंगे ना सेंटर पे अलग अलग सिटीज में, बस सबके साथ वही होने वाला है। तो पैनिक नहीं होना है, पैनिक सिचुएशन में मैंने क्या बताया, पानी पीना है, लंबी सांस लेनी है, बस सोल्यूशन है ये, बहुत बेस्ट सोल्यूशन है, ठीक है। तो मुस्कुराते रहिए, हर हर महादेव, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।